नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। डीजीपीएससी पर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत, एबीवीपी और एनएसयूआई ने जमकर काटा बवाल। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी चयन को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, जमकर सियासत हो रही है। मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब उनके छात्र संगठन भी कूद पड़े हैं। रायपुर में जहां बीते दिनों एनएसयूआई ने पूर्व सीएम रमन सिंह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन कर शराब घोटाला करने का आरोप लगाया। इस दौरान एनएसयूआई ने एक ब्रीफकेस में नकली नोटों का बंडल लेकर पूर्व सीएम को देने की कोशिश की, उनका पुतला जलाकर विरोध जताया। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन यानी एबीवीपी ने मोर्चा खोला। प्रदर्शनकारियों ने सीजीपीएससी से परीक्षा में सीट की कार्बन कॉपी, मॉडल आंसर की ट्रांसपेरेंसी देने की मांग की। छत्तीसगढ़ में चावल पर हो रही सियासत, घोटाले को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई चल ही रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश में चावल घोटाले की दुहाई देते हुए केंद्रीय मंत्री को खत लिख डाला। चावल घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय टीम भी पहुंच गई और बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि हम लोगों ने शिकायत की थी, इसलिए इसकी जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम केंद्र से आई हुई है। टीमें दुकानों में जाकर देख रही है कि किस प्रकार से गरीबों के चावल छत्तीसगढ़ में लूट मची है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी को सुप्रीम कोर्ट की दो टोक, डर का माहौल पैदा ना करें। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्ला की पीठ के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर अधिकारियों के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि ईडी 2000 करोड़ रूपये के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी ईडी को डर का माहौल नहीं पैदा करने के निर्देश दिए हैं। बिजली कटौती के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। बिलासपुर में बिजली कटौती के विरोध में भाजपा ने रैली निकालकर जमकर हल्ला बोलते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल चिलचिलाती धूप में सड़क पर पैदल चलते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन को देखते हुए विभाग ने अधिकारी और उसका नंबर जारी किया है, लेकिन वो अधिकारी फर्जी है और नंबर भी फर्जी है, उसमें कॉल ही नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के जनप्रतिनिधि भी फर्जी है। शहर के साथ ही जिले में भीषण गर्मी शुरू होते ही बिजली विभाग की मनमर्जी चल रही है। कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी तकनीकी खराबी के बहाने बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। इसके विरोध में भाजपा ने देवकी नंदन चौक से रैली निकालकर शाम टॉकेज स्थित बिजली ऑफिस का घेराव किया और जमकर हंगामा मचाते हुए नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ में संचार क्रांति, 4G नहीं अब 5G से हो रही बात। 5 महीने में 2850 टावर अपग्रेड। प्रदेश में 4G के बाद अब 5G की रफ्तार देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार की राजधानी स्थित दूरसंचार विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 2850 मोबाइल टावर 5G में अपग्रेड हो चुके हैं। वहीं अभी प्रदेश में कुल मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 2,41,00,000 पहुंच चुकी है। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के आसपास लगे मोबाइल टावरों को 5G नेटवर्क में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर आदि जिलों सहित बस्तर, सुकमा जैसे आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी शामिल है। रेल यात्री जल्द कर सकेंगे नई मेमू की सवारी। पब्लिक अनाउंसमेंट डिस्प्ले सिस्टम और सीसीटीवी से रहेगी लैस। छत्तीसगढ़ के रेलवे ट्रैक पर जल्द ही नई मेमू दौड़ेगी। रेलवे यात्री जल्द ही इस नई मेमू की सवारी कर सकेंगे। इस मेमू में कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बीते दिनों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने मेमू का शेड भिलाई में प्रथम 3-फेज प्रणाली मेमू रैक का निरीक्षण किया। इस नई मेमू रैक का परिचालन जल्द ही शुरू होगा। इसके शुरू होने से आम जनता को यात्रा में काफी सहूलियत मिलेगी। यह मेमू रैक आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त है, जिसमें पब्लिक अनाउंसमेंट डिस्प्ले सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट एवं सीसीटीवी कैमरे से लैस है, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ में तेजी से खोले जा रहे परिवहन सुविधा केंद्र। छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए तेजी से परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में अब तक 451 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्य भर में 1000 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। इन सुविधा के बाद परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के पास ही उपलब्ध हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ को जुलाई में मिलेगी पहली अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकेडमी। छत्तीसगढ़ में राज्य की पहली टेनिस अकेडमी बनाई जा रही है, जिसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। यह टेनिस अकेडमी 4 एकड़ में बनाई गई है, जिसकी लागत 17,75,00,000 रूपये है। इसमें 5 प्रकार के कोर्ट के साथ सिंथेटिक और प्रैक्टिस कोर्ट बनाए जा रहे हैं। टेनिस अकेडमी को जुलाई में शुरू किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के पास 4 एकड़ की भूमि पर टेनिस अकेडमी बनाई जा रही है। इस टेनिस अकेडमी में सिंथेटिक कोर्ट के साथ साथ 5 प्रैक्टिस सिंथेटिक कोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। खाद्य तेलों के दाम में गिरावट जारी। खाद्य तेलों की कीमतों में वैश्विक स्तर पर आई गिरावट से इनकी कीमतें अब कोरोना काल के पहले के स्तर पर पहुंच गई है। इन दिनों होलसेल बाजार में फली तेल रिफाइन 2,775 रूपये, पाउलिन 1,600 रूपये, सोयाबीन 1,700 रूपये, गोल्ड लाइन 1,700 रूपये, सरसों तेल 2,060 रूपये प्रति टन बिक रहा है। वहीं चिल्लर में जो खाद्य तेल 140 से 150 रूपये लीटर बिक रहे थे, अभी उनकी कीमत 110 रूपये लीटर पहुंच गई है। यहां तक कि 200 रूपये लीटर तक पहुंच चुके खाद्य तेलों के दाम में भी 170-175 रूपये लीटर हो गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और गिरावट आ सकती है। स्पेशल सेक्रेटरी होम करेंगे रायपुर खुर्द की सड़कों का समाधान, 30,000 लोगों को मिलेगी राहत। रायपुर खुर्द की 72 सड़क और गलियों को सुधारने की जिम्मेदारी स्पेशल सेक्रेटरी होम विनोद कामले को दी गई है। यह जिम्मेदारी पीएमओ कार्यालय की तरफ से दी गई है। रायपुर खुर्द में करीब 1,000 से ज्यादा घर है, जिसमें 30,000 के करीब लोग रहते हैं। स्थानीय घरों से लेकर गांव के अंदर स्थित संपर्क सेंटर और स्कूल तक बारिश के मौसम पहुंचना मुश्किल हो जाता है। शिकायतकर्ता विक्रम सिंह के अनुसार बारिश में घर से निकलना नामुमकिन हो जाता है। स्कूल पहुंचने वाले स्टूडेंट्स के खराब होने से लेकर दोपहिया वाहन लगातार गिरते हैं, लेकिन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं होता। मजबूरी में प्रधानमंत्री को शिकायत दी थी ताकि समाधान हो सके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।